बदला हो सकती है। वो चाहते थे कि अब्बासी खानदान के हुक्मरान जो कुछ चाहते हैं, जैसे ओपेसिटी में होता रहा है कि जो हुक्मरान चाहता रहा है, वो सर की ड्यूटी थी कि वो कहें उस पर वही भी है, ये बादशाह कहता है कि ये तेरी वही करता है। ये वही जो थी वो एक ऐसी ऐसा खाम माल था जो बादशाह वक्त के सांचे में ढलता था, जो कुछ बादशाह वक्त चाहे वो सांचा था। और बोप साहब की वही उसके अंदर मोम था जिससे वो ढाले थक जाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि एक खुदा का दाई, एक खुदा का पुजारी, उसकी जुबान से तीन खुदाओं के ऐलान किए गए। वो अगर तगैयों खुदियों ने कहा का अकीदा ना होता तो फिर कभी ये सूरत अलपेश ना थी। वो चाहते थे कि कुरान को उलमा की जुबान से एक मरतबा मखलूक कहला ले, ताकि बाद में हसब जरूर जैसे कि वैसी में ये काम होता रहा है, हम भी कुरान मजीद में ऐसी तब्दीलियां ले आए। जैसा आप देखते हैं पाकिस्तान में हर वो कुरान जो नया आता है वो नए किस्म के मौलवी भर्ती कर लेता है, जो आगे आगे जो कुछ देखते को कहता है पीछे वो गीत गाता चला जाता है, मर्दे गाजी मर्दे हक जियाउल हक जियाउल हक। और वो जल्द समझने की तस्वीर में है कि हर झूठे आदमी की तारीफ करना जिन मजहबी पेशवाओं का पेशा है वो बकाऊ माल सबको पता है कि फलापुर के फलापना हिस्से में रहते हैं, उनकी बोल चाल में, रोजाना की गुफ्तगु में, उनके माजी में, उनके इशारात में, उनकी मजलिसों में, उनकी तकरीरों में, उनकी तहरीरों में रू आने लगती है। आपने देखा कि ईरान में जिस वक्त तब्दीलियाँ आई तो यहाँ इंग्लैंड में कुछ रहने वाले लोग उन्होंने कुछ किताबें लिखनी शुरू कर दी, फिर जिस वक्त वो पूरी तरह इकतदार में आए तो उनको पैसे दिए गए दिए, लोगों ने वहां से पैसे डाला के कॉलेज और मदरसे बनाए गए नहीं बनाए। अगर इन्होंने उनके फिल्म की बात नहीं की तो पैसे उन्होंने क्यों दिए? अल्लाह वालों की यह निशानी होती है कि सारी दुनिया की गलती उधर हो जाए वो जिसको हक समझते सुन पाए। सुभान अल्लाह, बेशक इमाम अहमद खबर ने इस पर मार डाली, लेकिन अकीदा उनका सुसरा कितना है। जो उनके सिलसिले का उस्ताद है लिखा है इमाम शाफी की कमीज है जहीर नसीब, फिर वक्त का बात आएगा। उन्होंने वो कमीज लेके धोके पी ली, अपने तैमिया ने जो अल्लाह पड़ा उसका सर चटका गया, तो ये हम भी अपने आप को कहता ना, तो ये कहता है कि तमरुकार इस्तेमाल करने हराम है, ये शिर्क है। कहा तू किस वक्त का आदमी है, तेरे शेख का तेरे इमाम का तो ये मतलब है कि जिसके सिलसिले को वो अपना सिलसिला तालीम समझता है सिर्फ अपना शेख होने की मुनासिबत से उसकी कमीज को धोखे की जो हजरे असद के बोसे की वजह उसी वजह से कब्र को भी बोसा दिया जा सकता है। अब इस मौके पर एक हदीस हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की मुख्तसर मंसूब होती है, सफरों की कसरत की वजह से काफी बीमार हो जाता हूँ। अगर आप सुना होगा जो देखा होगा जो टीवी में हुआ है जिन लोगों के पास टीवी है वो आपने हमारा मुकालमा वायरल सुना होगा, देखा होगा, उसे भी खुदा है। जितने सवाल लोगों ने लेके उनको वीडियो में चले आपको डायलॉग होने वाला है तो हम आपसे ये सवाल करते हैं, उससे लोग फरमाने लगे कि पहले बैठ के मुकालमा तैयार करते हैं, यार मेरे पास खाने का वक्त है, काम लगा हुआ है, आप कोई सवाल है ना आपके वो तैयार आपके बारे में आपको पैसे आप एक हाथ से दें और ऐसा नहीं कि पैसों को वक्त नहीं कर हमने कभी जिंदगी में उसका तजुर्बा किया। बहुत सारे ऐसे दाढ़ी सारे जहाँ से लंबी, कुर्ता सारे जहाँ से लंबा, लेकिन जब चंदे का होता है साठ रकम दिए तारे जब तक के चंदे का खतरा टल न जाए कभी मुंह नहीं कर। आप ध्यान जो बात में कह रहा हूँ ये आपके अकीदे का हिस्सा है। अब मैं भी एक चलावे साहब हूँ, मुफ्ती साहब वाले साहब के जो आना तो आना भी करते
एक्सपीरियंस करेंगे, अपने मोहम्मद की सुनता रहा हूँ, तो ये बातें भी शायद आपको न मिल सके। ये अल्लामा फखरुद्दीन ऐनी ने मुझे बताई शर्त वाली, अल्लामा फखरुद्दीन ऐनी का स्वर्ण भाग 854 है, बाद में पेट्रोल लिखा 54 हो, मतलब नवी सदी में बस क्या बुखारी शी पर जो उनकी शरा है, जिससे बुखारी को बुखारी समझते हैं जो जैसी किताब और कोई इल्म हदीस में, इसलिए अल्लामा फखरुद्दीन ऐनी को ये सबसे कहता है कि जिसे बुखारी को किसने समझा है, किसी को और 25 जिल्दों की शरह है, ये 2 जिल्दों की किताब है बुखारी, शरह उसकी 25 जिल्दों की है। इस मौके पर पूछते हैं, जिस वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अस्वद के पास गए, तो आप खड़े होकर कहते हैं, लौला अन्नी रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ब्ल कामन लमा क़बरतु इन्नी अलम अन्नका हजरु لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلت سبحان الله اور اہل اسد میں جانتا ہوں وہ ایک پتھر ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے سبحان اللہ میں یہ جانتا ہوں کہ سرکار نے مجھے غصہ لیا ہے تو میں اس وجہ سے غصہ لیتا ہوں اگر سرکار کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی تیرے کو غصہ نہ دیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ سمجھا ہے یہ اس وقت تک وہ یہ سمجھتے ہیں یہ پتھر نفع نقصان کچھ نہیں دیتا لیکن میری سرکار نے چوما ہے سبحان اللہ اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا دلیل ہوتی ہے جس کو میرے سرکار چومے نفع ہو یا نقصان ہو دونوں صورت حضرت عمر آپ یہ الفاظ واپس لے، یہ صحیح نہیں ہے، کیوں صحیح نہیں ہے؟ ان کا یہ نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے، اس سے فائدہ بھی پہنچے گا نقصان بھی پہنچے گا۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کی کچھ سے ذریت کو نکالا، ان سے عہد لیا کہ تم کس کو خدا کہو گے، الستو بربکم، ان کا قالوا بلا، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک چٹ لکھی، چٹ لکھ کے اس کے ہونٹ بھی تھے اس کے منہ بھی تھا، سرکار نے فرمایا حدیث مرفوع، اس کے ہونٹ بھی تھے، اس کی آنکھیں بھی تھی، اس کی زبان بھی تھی، اس کا منہ بھی تھا، سرکار پروردگار نے فرمایا منہ کھولو، اس نے منہ کھولا، وہ چیز اس کے منہ میں ڈال دی، اور اس کو پروردگار نے کہا کہ یاد رکھ جو تیرے پاس آئے گا تم نے اس کی شہادت دینی ہے کہ یہ آدمی میرے پاس آیا تھا، جو نہیں آیا تم نے اس کو لکھا کہ نہیں ذکر، اگر وہ پیش ہو تو تم نے کہنا یہ میرے پاس نہیں آیا۔ اچھا اس لیے اس کی جو شہادت ہوتی فلاں آیا ہے، پتھر کو کس طرح پتا ہے کہ آیا ہے؟ اللہ والوں سے اس نے اللہ والوں کے پاؤں چومے ہیں مقام ابراہیم نے، اور حضرت اسود نے نبیوں کے ہونٹ چومے ہیں، تو نبیوں کے ہونٹوں سے لگنے کی وجہ سے اس کی نبوت آ گئی، یہ پہچان سکتا ہے کون آیا ہے کون نہیں آیا، کہ فیور میں بات کرے سبحان اللہ، پتھر فیور بھی کر سکتا ہے، کس فیور بھی کر سکتا ہے، تو جو قبروں میں اللہ والے سو رہے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد ترمذی کی حدیث، ابو داؤد کی حدیث، ترمذی کی حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس نبی پاک کی جو لیجسلیٹو کاؤنسل تھی نا، پارلیمنٹ تھی نا، اس کے ممبر تھے، حالانکہ بہت کم عمر تھے، 10 سال کی عمر جب ہوئی تھی تو وہ حضرت نبی کے صاحب کا مثال، لیکن بعد بعد میں جتنی خلافتیں ہو رہی ہیں ہر ایک میں وہ پارلیمنٹ تھے، ان کو پارلیمنٹ میں ایک حیثیت حاصل تھی، اور بعض دیگر اکابر صاحبہ نے یہ اعتراض کیا، یہ کل کا بچہ ہے اس کو ہماری گردن میں سوار کر دیا، تو حضرت عمر کہتے تھے اے عباس اب تو کس سمندر میں ہوتا لگا، اے عباس
उस भी पहाड़ को तो इल्म के समुद्रों में अब वो होता लगा सुभान अल्लाह कि वो आदमी है अदर अब्दुल्ला के अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से नवाज है जिस आदमी ने सहाबा में मक्के शरीफ में कुरान का मदरसा खोला ये वो जनरल अटेंशन अब होली पड़ा ये जिस पर शहर है कुरान का फहम यहाँ अव्वल से आखिर तक ये इनकी खसूसियत है ये कहते हैं कि कयामत का मैदान होगा अल्लाह करीम इससे पूछेंगे कौन सच्ची नीयत से आया है और कौन झूठी नीयत से आया है कौन मुखलिस दिल लेके आया है कौन समझावट को लेके आया है त्रिवेदी शरीफ के इसके रावी हैं अज़ीज़ अब्दुल्लाह बिन अब्बास और सुनने अबी दाऊद की जो रवायत है उसके रावी हैं अज़ीज़ अब्दुल्लाह बिन उमर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर भी फकीह चाहिए अगर आप उसूल की किताबें पढ़ें या फिकह की किताबें पढ़ें वह फहरिस्तें दी हुई हैं कौन सा आदमी हदीसें तो बहुत याद हैं लेकिन सादा लगवा दी है हदीसों की बेशुमार विजय होती हैं जिनमें से हजरत अबू हुरैरा भी हैं इन सहाबा में से हैं सबसे ज्यादा हदीसें खुदा की कायनात में जिसके पास ज्यादा है उसका नाम अबू हुरैरा है सुभान अल्लाह लेकिन ये कि सबसे ज्यादा जिसका इसे रिजेक्ट हुई है वो भी अजय बुलेगा है अजय उम्र कहते हैं जो जबानी से तो रवायतें करते चले जा रहे हो मैं तुम्हें खिलाफत कर दूंगा अजय सईद आयशा भी इस तरह की धमकी देते हैं क्योंकि सईद आयशा भी फकीहा है बादशाह है खान मुकाम है हजूर की मदद सिर्फ नौ बरस वाली है कम उम्री की बीवी बन गए हर वक्त तो साथ नहीं गई लेकिन देखे एजुकेशन का क्या हाल है कोई से अभी ऐसा नहीं इसके फैसले में आपने दखल नहीं दिया तो हां ये फैसला यूं नहीं हुआ है सुभान अल्लाह और लोगों को मानता सुभान अल्लाह तो इन दोनों हदीसों अबू दाऊद से के दिन अब्दुल्लाह बिन उमर से आती है और तिरमिजी से के दिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास से ये दोनों फकीह हैं फकीह की रवायत पर इत्तेफाक दो लॉयर्स जूरिस ये जूरिस से हैं उनका इल्म हदीस के तो बड़ा ऊंचा मकाम समझा जाता है शायद आप उसको समझ में देखकर महसूस करते होंगे आपने बुखारी का नाम तो बहुत सुना है ये कहने वाला कि सबसे ज्यादा सही किताब है ये सिर्फ इब्न सिराह है इब्न सिराह के रिवाज का कोई मुद्दे और बेशुमार बुजुर्गों ने इस पर किताबें लिखी हैं जरा अल बुखारी के बुखारी की कितनी एक उसे मौजू है कितने मजू है किसी मौकूफ है और किसी शाद है किसी मुनकर है बेशुमार अदीसों पर गुफ्तगू हुई है वो कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह उस पर छोटी मोटी किताब लिखेंगे आप सब वाजे करेंगे कि कौन कौन सी हदीस पर क्या क्या इतराज है तो इस रावी जो है इब्ने सिराह है मगर ये देखने वाली बात है कि शोहरत कितनी है इमाम बुखारी की उनके पीछे चलने वाले पूरी दुनिया में महीने को बंदा है सुभान ये जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं ये उनके पीछे भी चलते हैं उनकी मर्जी और कमाल की बात है आकाश के विदानत के विदानत आकाश के विदानत और विदानत के विदानत वो असल दरवे खेज मुनजर बरसान जो आदमी जानता है और समझता मैं जानता हूँ वो अपने घोड़े को मंजिल पर ले जाएगा वह आकाश के नदानत और विदानत के नदानत वो भी खरे थे सोंदर बरसात कहते जो आदमी नहीं जानता और ये जानता है कि मैं नहीं जानता कि अपने न जानने का उसे इल्म है वो भी किसी न किसी तरीके से इल्म वाले के पीछे चल के अपने गले को मंजिल पर ले जाए लेकिन आकाश के नदानत और विदानत के विदानत जो जानता भी नहीं और मैं ना जानने को भी नहीं जानता वो तो सारी जिंदगी हालत के गले में तुम्हारा रहेगा।